नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से थ्री ब्लॉक्स ऑफ मास M1, आपका M1 दिया हुआ है 2 kg, 4 kg एंड 6 kg आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन ऑफ 60 डिग्री एज शोन इन द फिगर. अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, ये अपना 120 न्यूटन इधर लग रहा है, इज अप्लाइड अपवर्ड्स अलॉन्ग द इंक्लाइन टू द अपर मोस्ट ब्लॉक कॉजिंग एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक्स. कनेक्टिंग कॉर्ड्स आर लाइट, हमें बताना है टेंशन T1 T2 जो आपकी ये इंटरमीडिएट जो रस्सियाँ लगी हुई है उनमें टेंशन कितनी होगी, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. नाउ सिंपल सवाल है, अगर हम इन तीनों को एक काम करते हैं, पहले कलर चेंज करते हैं पेन का, राइट. अगर हम इन तीनों को एक ही ब्लॉक मान लें, ठीक है, तीनों को, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं और तीनों आपके एक ही एक्सेलेरेशन से आगे जाएंगे, तो उस केस में तीनों का जो एक्सेलेरेशन है उसको आप लिख सकते हैं ए विल बी इक्वल टू आपका एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास. नाउ यहाँ पे जो आपका एफ नेट आएगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू, एक तो जो ये आपका फोर्स लग रहा है 120, इसको यहाँ लिखते हैं, है ना. सो आपका जो एक्सेलेरेशन होएगा वो आएगा एफ नेट. एफ नेट की जो वैल्यू होगी, एक तो एक्सटर्नल फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा है 120, माइनस इन तीनों का एम जी साइन थीटा. सो एम जी साइन थीटा, क्योंकि आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो एम जी साइन थीटा आएगा आपका 2 + 4 + 6 मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल मास आपका हो गया 2 + 4 + 6. ये करके अपना फाइनल एक्सेलेशन आ जाएगा. सो आपका जो एक्सेलेशन ए होएगा वो आएगा आपका 120 माइनस ये बनेगा 4 + 2 = 6, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय जी यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय नीचे आपका बन गया 12. सो आपका 12 से अगर मैं इसको पहले डिवाइड कर दूं तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा 10 माइनस आपका 5 √3 आपका एक्सेलेरेशन आ गया. राइट. नाउ अब अगर मैं टेंशन T1 की बात करूं तो इसका अगर जब हम FBD बनाएंगे तो M1 मास का जो FBD बनाएंगे तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका T1, पीछे की तरफ से लग रहा है, पीछे आपका फोर्स लग रहा है आपका M1 जी साइन 60, और इसको ए एक्सेलेरेशन से लेके जाना है आपने. तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं टी विल बी, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं टी माइनस M1 जी साइन 60 विल बी इक्वल टू M1 ए की ऑलरेडी वैल्यू अपनी आ चुकी है. सो टी विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, ये बचेगा आपका M1 जी साइन 60 प्लस M1 ए. तो बस ये T1 की आपको वैल्यू आ जाएगी. सो T1 जो है दैट विल बी इक्वल टू M1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, M1 है 2 मल्टीप्लाइड बाय जी यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 यानी कि √3/2 प्लस एक्सेलेशन 10 माइनस 5 √3. नाउ इंसिडेंटली ऐसा है ये भी 5 √3, 5 √3 बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो टी की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 20 न्यूटन. ये आपका टेंशन T1 आ गया. नाउ सिमिलरली अगर हम T2 की बात करेंगे, T2 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. T2 की जब हम बात करेंगे T2 की जब बात करेंगे, इन दोनों को हम एक ब्लॉक मान लेते हैं. हम लिखेंगे T2 माइनस M1 प्लस M2 जी, ये आपका इन दोनों को मास को आगे M G साइन 60 साइन 60 विल बी इक्वल टू, दोनों मास को आपने या M1 प्लस M2 ए, इन दोनों को ए एक्सेलेरेशन से आगे लेके जाना है, विच इम्प्लाइज आपका T2 जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2, उधर ले जाते हैं उसको, M1 प्लस M2 आप कॉमन ले लें, M1 प्लस M2 ये बचेगा आपका G साइन 60 प्लस ए. बस यहाँ डेटा रख देते हैं, M1 है आपका 2, M2 है आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय ये बचेगा आपका जी साइन 60 यानी कि बचा 10 साइन 60 इज √3/2 प्लस ए 10 माइनस 5 √3, ये 10 है ध्यान रखना, है ना. 5 √3, 5 √3 कैंसिल हो जाएगा. सो T2 जो है उसकी जो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, सो दिस विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन. सो ये आपके T1 और T2 की वैल्यू हो गई. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर.